एक और बड़ी खबर है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते नजर आए हैं। मनोहर लाल पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो हर राज्य में जा रहे हैं, ये कहना है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। मनोहर लाल ने हमारी बातें गंभीरता से सुनी है, आश्वासन भी दिया है। मनोहर लाल के पास बहुत एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं। मनोहर लाल ये जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं होती हैं। ये बात कहिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये अहम बातें क्यों हो जाती हैं, इसे जरूर हम विस्तार से आपको बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं, अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इधर बीजेपी से हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, तो एक दूसरे के एंटी रहते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर बात काम की है, यहाँ पर बात नैतिकता की है, यहाँ पर बात जिम्मेदारी की है। तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जानते हैं कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ की है तो उनके कामकाज को देखकर की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की जमकर सराहना की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। जो बात कही है वो आपके सामने है कि हमारी बातों को सुनते हैं, वो हर राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य की जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, उनके मंत्रालय से जुड़ी हुई, उन पर बात कर रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस बात की और आगे बढ़ गए, ये बहुत अहम बातें होती हैं। और ये जो पोर्टफोलियो मिलता है बड़े नेताओं को, उनको सूट भी करता है, इसलिए कहते हैं कि बड़े कंधों पर बड़े जिम्मेदारियां। तो आपके सामने एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। कुठेर पावर प्रोजेक्ट में 12-18-30 वाला प्रोजेक्ट और 40-7 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसले अनुरोध किया जो भी कानून के तहत।